हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज आपने चैलेंज का है चौथा दिन गाइस, तो बताओ कैसा चल रहा है आपका चैलेंज। मुझे पता है इतना अच्छा नहीं चल रहा होगा क्योंकि दिवाली की सफाई में बिजी हो गए। मैं भी ऐसे ही रहती हूँ गाइस, दिवाली की सफाई में मैं कर रही हूँ। दिवाली हमारे यहाँ नहीं मनेगी लेकिन सफाई में मैं खूब बिजी हूँ। सफाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा 15 दिन से आपको पता है घर भी बंद था, तो इतनी अच्छी सफाई नहीं थी। वैसे भी करनी थी मुझे, और ये दिवाली की भी सफाई मानी जाएगी। मैं भी कभी उस रूम की करती रहती हूँ, और मेरी अभी किचन की और मंदिर की सफाई बाकी है बस, और कर लूँगी धीरे धीरे करके। लेकिन जितना भी हो सके गाइस आपसे चैलेंज को करना, कुछ भी हो सके थोड़ा बहुत करना। आप अच्छा खासा वेट, मैं बोलती हूँ बार बार, वेट बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, जरूर करना इस चैलेंज को भी आप। मैं भी, मेरे से भी इतने अच्छे से नहीं हो रहा जैसे मैंने 21 दिन का हार्ड चैलेंज किया था, लेकिन कुछ तो हो रहा है ना, तो मैं कुछ तो कर रही हूँ, मेरे अंदर आ रही है। और तो मैं जो डाइट दिखाती हूँ वो खा रही हूँ, लेकिन पानी मेरा प्रॉपर नहीं हो रहा ना। मेरे पास अभी ग्रीन टी है, मैंने ऑर्डर किए हुए भी 3 से 4 दिन हो गए लेकिन आई नहीं है अभी, देखो कब आएगी वो। और ऐसे ही चल रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ कि कुछ तो हो रहा है ना। क्या पता कौन अच्छे से कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन कुछ तो करना गाइस। और किस किस ने ये शुरू किया है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं देखूँगी कि कौन कौन कर रहा है, मुझे अच्छा लगेगा गाइस। तो मैं अभी पूरा काम कर लिया है मैंने, मैं मंदिर से आई हूँ अभी, और पूजा वगैरह, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सब हो चुका है मेरा काम। तो कल कमेंट आया था कि दीदी आपके हस्बैंड वीडियो में, आपके हस्बैंड वीडियो में क्यों नहीं आते? तो गाइस उनको अच्छा नहीं लगता कैमरे में आना, वो नहीं आते। और मैं बोलती हूँ कई बार, कोशिश करती हूँ कि आओ, वो बोलते हैं कि मुझे पसंद नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है कैमरे में, वो नहीं आते। जिस दिन आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो वो नहीं पसंद करते इस कैमरे में आना, यही वजह गाइस, और कोई वजह नहीं है। हम यहाँ, मैं अकेली नहीं रहती हूँ, हम तीनों रहते हैं, मनु के पापा और मैं, हम तीनों साथ में रहते हैं। और हमारी फैमिली जो है वो पूरी हरियाणा में रहती है, और मैं राजस्थान में रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जॉब करते थे और राजस्थान जॉब करते थे, तो मुझे ये खाटू श्याम जी की वजह से मुझे जम गई ये जगह, तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी, इसलिए हमने यहीं पे प्लॉट लेके मकान बना लिया। और मकान बने हुए को मेरे को भी गाइस 1 साल हुआ है अभी नवरात्रों में। मैं आपको बोलती कि मेरे मकान की मुझे बधाइयाँ देना, लेकिन उससे पहले मैं चली गई थी यहाँ से, मैं 5वें या 6वें नवरात्रे में यहाँ पे आई थी, मेरे मकान में मेरा गृह प्रवेश था। तो जब उस टाइम में वीडियो नहीं बनाती थी, तो गाइस पहले मैं रेंट से ही रहती थी रिंगस में, तो अभी मैंने मकान बना लिया है, खुद का मकान में रहने शुरू कर दी हूँ। 1 साल ही हुआ है, पहले मैं 7 साल से रेंट पे ही रही हूँ, तो मुझे रिंगस जम गया था, इस वजह से मैंने यहीं पे मकान बना लिया। तो ये वजह है गाइस, वो नहीं आना पसंद करते। और बोल रहे थे कि दीदी आप किचन में वीडियो क्यों बनाती हो, तो किचन में इस वजह से बनाती हूँ गाइस क्योंकि लाइट चली जाती है कई बार, और बनाते शुरू में किचन से शुरू की थी, तो वहाँ पे मुझे बैठ के अच्छा भी लगने लग गया, और ना लाइट जाती तब भी मैं वहीं से शुरुआत कर देती हूँ। तो क्या आपको अच्छी नहीं लगती किचन में वीडियो बनाना, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बस यही वजह है कि लाइट चली जाती है बीच में, या कई बार होती नहीं, तो मैंने ऐसे सोचा कि वहीं पे ठीक है। तो आज मैं रूम से शुरुआत कर रही हूँ, तो बताना आपको क्या अच्छा नहीं लगा था, यही वजह थी बस। और लगे रहो, आप करते रहो, और मैं भी कर रही हूँ जैसे हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो चैलेंज आएगा ना वो दिल से करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है? पक्का करना, क्योंकि अभी नहीं हो पाएगा इतना अच्छे से, कुछ ना कुछ काम रहते ही हैं। आप लगे रहोगे दीपावली की शॉपिंग में या कहीं और सफाई में, काम में, तो जितना भी हो सके उतना करना, आप जरूर करना, आपको बेस्ट ऑफ लक, पक्का करना गाइस, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आदत जरूर पड़ जाएगी आपको ये सब करने की, ठीक है? करना। और मैं अभी नाश्ते की तैयारी करती हूँ अपने की, नाश्ते में मैं क्या लेती हूँ वो दिखाती हूँ आपको, और
आप देख रहे होंगे पीछे मैंने इतने सारे सूट सील दिए, अभी और भी बाकी हैं मेरे, वो भी सीलूंगी। ये है मेरा नाश्ता, थोड़े से मैंने बिल्कुल थोड़े से छोले लिए हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा चुकंदर डाला है और आधा एप्पल लिया है मैंने, और ये जो मैंने मुनक्का भिगोए थे रात को वो लिए हैं गाइस। पानी मैंने इसका सुबह खाली पेट पी लिया था। तो नाश्ता मेरा ये रहेगा आज का। तो प्याज टमाटर मैंने इसमें डाले नहीं क्योंकि मेरा आज ऐसे ही खाने का मन था। नींबू और ब्लैक मिर्ची और सेंधा नमक मैंने छोले में डाला है। तो आ जाओ गाइस करते हैं अपना नाश्ता। मुझसे हुआ गाइस 28 बार, क्योंकि 32 बार अभी नहीं हो पा रहा, अंदर चला जाता है। और जितना भी हो रहा है ठीक है, करेंगे, ऐसे नहीं कि छोड़ दो कि नहीं हो रहा 32 बार, कुछ तो हो रहा है ना। तो ऐसे कर करके 32 पे भी पहुंचता कोई कोई बाइट मेरा और कोई 28 पे। तो 32 बार करना भी इतना आसान नहीं है गाइस, बहुत टाइम लग जाता है इसकी आदत पकड़ने में। इतनी अच्छी खासी आदत लग चुकी थी मुझे, अब छूट गई थी तो मैं पकड़ रही हूँ दोबारा से, फिर से पकड़। ये मैंने मूंग मोट रात को भी गोए थे, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो ये अच्छे से भीग गए हैं और मैंने इसको 2-3 बार वॉश भी कर दिया है। और अब इनको मैं अंकुरित करूँगी, उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक बाउल और उसमें रखूँगी एक कपड़ा। बहुत अच्छे अंकुरित होते हैं गाइस ऐसे से, ये अगर ऐसे खुले रखो ना तो इतना जल्दी नहीं होते और ना बड़े बड़े होते अंकुरित, थोड़ा थोड़ा निकलता है। तो ऐसे करना, आप ऐसे ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा अच्छे अंकुरित हो जाएंगे। ऐसे करके और ऐसे आपको दबा के रख देना इसको। और पूरा ढक के रख देना है इसे, बस शाम तक ये पूरे अंकुरित हो जाएंगे। गाइस अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो मैं आज बनाऊंगी आलू छोले की सब्जी। छोले और आलू मैंने उबाल लिए हैं और टमाटर और प्याज हरी मिर्ची लहसुन वगैरह भी मैंने पीस लिए हैं मिक्सी में। और यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने तेल। अब सब्जी को छौंकन लगा देते हैं गाइस। तो मैं बनाऊंगी गाइस मूली की रोटी आज। ये देखिए मैंने मूली को कस कर लिया है और इसमें हरी मिर्ची और थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक मिला लिया है। पराठा नहीं बनाऊंगी गाइस, मूली की मैं रोटी बनाऊंगी। रोटी बेल ली है, अब इसमें मैं भर देती हूँ इसको।
गाइस मैंने लगा लिया अपना लंच। देखो ये वो रोटी है मूली की और सब्जी छोले की, दही, दही में मैं ब्लैक मिर्ची डालती हूँ गाइस, क्योंकि ब्लैक मिर्ची भी दही में अगर डाल के खाते ना तो वेट लॉस अच्छा होता है, चर्बी को गलाने में मदद करती है ये। और सैलेड में आज ये हाफ चकुंदरी है, और सैलेड है ही नहीं था मेरे पास, लेकिन सैलेड का जरूर ध्यान रखना है आपको अपने खाने में, बहुत ही महत्वपूर्ण है वेट लॉस करने में सैलेड का। ठीक है गाइस आ जाओ करते हैं लंच। डिनर की तैयारी, तो डिनर में मैं बना रही हूँ गाइस दलिया। तो मैंने ये चढ़ा दिया है घी, आधा चम्मच घी है ये, और इसमें डाल देते हैं दलिया, और दलिया का हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं। ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया गाइस, ये देखिए। अब इसमें डाल देंगे पानी, अब इसको बनने के लिए छोड़ देते हैं। नमक का बनाओ तो नमक का नमक ऐड कर लेना, और मीठा बनाओ तो इसमें गुड़ ऐड करना है गाइस थोड़ी सी देर। गाइस मेरा दलिया बनकर हो चुका है रेडी, और मैंने लगा लिया है अपना डिनर। तो आ जाओ गाइस करते हैं डिनर। तो मैंने इसको मीठा रखा है गाइस, गुड़ ऐड किया है मैंने इसमें, क्योंकि नमक वाला मुझे कम ही पसंद आता है। तो मैं भी करती हूँ डिनर गाइस, 6:30 बज चुके हैं और 7 बजे से पहले मेरा डिनर हो जाएगा। गाइस डिनर मेरा हो चुका है अभी, और अभी मैं वॉक के लिए जाऊंगी, थोड़ी देर वॉक करूंगी, जितनी मेरे से होगी 30 मिनट 40 मिनट। मैं डेली करती हूँ गाइस, छोड़ती नहीं हूँ, जितनी मुझसे होती है तो मैं करती ही हूँ वॉक, चाहे कितनी भी हो जाए बस। तो कौन सी चीज़ गाइस मेरी आज की आपको अच्छी लगी, कौन सा मील अच्छा लगा प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना गाइस, और कल फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुशियाँ पाना, खुशियाँ बांटना। बाय गाइस, लव यू।